यूपी में अपराधी बेखौफ आए दिन पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां थुमनगंज थाना क्षेत्र के जागृति चौराहे के पास एक हाई कोर्ट के युवा अधिवक्ता को बदमाशों ने गोली मार दी। वकील का नाम अभिषेक शुक्ला बताया जा रहा है। वहीं घायल वकील को आनन-फानन में गंभीर हालत में SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ी टकराने को लेकर हुआ है, जिसमें बदमाशों ने अधिवक्ता पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस मामले को किसी केस के पैरवी से भी जोड़कर तफ्तीश कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील पुलिस चौकी पर इकट्ठा हुए। अधिवक्ता आरोपी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल आशियाना इलाके में रोके जाने पर बदमाश पुलिस तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ आशियाना इलाके में हुई। बदमाश पुलिस तिवारी 25,000 का इनामी है और पुलिस को उसकी काफ़ी वक्त से तलाश थी। गाड़ी है जिसपे नंबर नहीं था और एक संदिग्ध व्यक्ति था, तो पुलिस ने जैसे ही पीछा किया तो ये गली की तरफ इधर मुड़ गए, संभवतः चेकिंग से बचने के लिए ही। और जब ऐसा लगा कि पुलिस पीछा आ रही है तो उन्होंने फायर किया पुलिस पार्टी पर, और जवाबी फायर में इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस तिवारी ये एक 25,000 का इनामिया है, आशियाना से गैंगस्टर में वांछित है।